ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो फाइनली हमारे सामने मैडी भैया एक नए अवतार में आ चुके हैं। एक लंबे अरसे के बाद उनको फाइनली किसी और लड़की के पीछे भागता हुआ देखकर अच्छा लग रहा है। और मैं मैडी बोल रहा हूँ दिल्ली से, छोड़ते रहना तेरे दिल में के जोक्स को छोड़ करके शैतान पे बात कर लेते हैं। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसकी जो ओरिजिनल मूवी है वो नहीं देखी। अगर आप लोग नहीं जानते किस बारे में बात हो रही, तो शैतान एक्चुअली में गुजराती मूवी वश का रीमेक है जो मैंने नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा हो तो प्लीज कमेंट्स में स्पॉइल मत करना, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए स्पेशली। वैसे ट्रेलर पिक्चर स्पॉइल करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, अगर आप इसको थोड़ा भी ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगर आप नहीं भी देखने की कोशिश करते तो भी इन लोगों ने ऑलमोस्ट पूरी मूवी ट्रेलर में दिखा दी है। आई होप मूवी के प्लॉट में और भी बहुत सारी चीजें हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो हमको काफी सारी चीजें पता चल चुकी है। एक एक करके सब चीजों पे बात करना शुरू करते हैं। तो ट्रेलर ओपन अप होता है अजय देवगन की फैमिली के साथ में, जो अपने घर में रह रहे हैं। लेकिन तभी दे रिसीव अ विजिटर जो कि मैडी जी हैं, और फिर वो बोलते हैं कि उनको बस अपनी बेटी से बात करनी है, बट उनके फोन की बैटरी हैज डाइड, तो उनको बस 10-15 मिनट लगेंगे, वो फोन चार्ज करेंगे और वहां से निकल जाएंगे। और अजय देवगन बीइंग अ वेरी भोला पर्सन, उनको अपने घर में एंट्री दे देते हैं 15 मिनट के लिए, जिसमें वो एक कप में चाय पीते हैं, उनके घर के टेबल पे दोनों पैर रख के बैठते हैं, जैसे कि मैंने नोटिस किया उनके जूते बहुत ही गंदे थे, जो देखकर उनके बीवी बिल्कुल भी खुश नहीं होते, और अपने पति से कहती है इसको निकालो अपने घर से। लेकिन अजय देवगन कहते हैं सिर्फ 15 मिनट की बात है, रुक जाओ। लेकिन इतनी ही देर में कुछ कांड होता होगा, क्योंकि मैडी भाई देवगन की बेटी को कर लेते हैं वश में। Now the thing to be noted is कि ये वही सेम एक्ट्रेस है जानकी बॉडी वाला, जिन्होंने गुजराती मूवी में भी यही बेटी का रोल प्ले किया था। एंड इस ट्रेलर में देखकर समझ में आ रहा है कि उनका परफॉर्मेंस कितना ज्यादा सुपर्ब होगा कि उनको इस वाले रीमेक में भी दोबारा से कास्ट कर लिया गया। तो रहना तेरे दिल में के बाद अब दूसरी लड़की फंसा चुके मैडी, क्या कुछ नहीं करवा लेते। इससे पहले कहते चाय पत्ती खा लो, फिर उसके बाद खुद को लपाड़े पड़वा लो, फिर अपने पापा को लपाड़े मार लो, फिर अपने भाई का सिर इधर फोड़ लो, फिर उसके बाद गैस की टंकी में आग लगा लो, और वो सब कुछ चली जा रही है नॉन स्टॉप। बाय द वे, वैसे तो किसी ने पूछा नहीं, लेकिन ज्ञान बांटने पे आता तो फिर मैं बहुत सारा बांटता चला जाता हूं। तो अगर कोई ज्यादा चाय पी ले तो उसको कई सारे अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, इंसोम्निया या फिर पेट की प्रॉब्लम्स, मतलब क्योंकि एसिडिक होती है तो एसिडिटी वगैरह हो सकती है। लेकिन खाने से और भी ज्यादा मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, बिकॉज चाय में फिर वो सारी चीजें डाइल्यूट हो जाती है। मैं आगे नहीं बढ़ता, बस बताने वाली बात है। ज्ञान एज यू नो, मार कुटाई पे आ जाते हैं। तो अजय देवगन मैडी के साथ अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस होती है, जिसमें मैडी के सिर पे हम खून लगा हुआ देख सकते हैं। लेकिन मैडी कोई नॉर्मल इंसान है नहीं, जो कि वो आगे वाली सीक्वेंसेस में बोल भी देता है कि तू जानता नहीं है कि मैं हूं कौन। तो अजय देवगन उसके से नीचे गिरा के कहता है कि मेरी बेटी को अपने वश से बाहर निकाल और ये वो। लेकिन मैडी इतनी आसानी से मानने वाला था नहीं, क्योंकि उसका अलग एंगल है जो फिर हमको अलग सीक्वेंस में देखने को मिलता है, जब अपने कपड़े अपने चेंज करता है। लेकिन यहां पर सिर्फ मैडी के कपड़े चेंज नहीं हो रहे, अगर आप नोटिस करोगे तो मैडी की आंखों का कलर भी चेंज हो जा रहा है, विच एक्चुअली टेल कि there is more to his character than meets the eye. You see what I did there? तो मतलब जितना मुझे इस ट्रेलर को देखकर समझ में आया, वो ऐसा है कि मैडी का जो कैरेक्टर है वो शैतान का पुजारी है बेसिकली। अगर आप आगे वाली सीक्वेंसेस को देखते हो तो वहां पर हम अजय देवगन के कैरेक्टर को किसी ऐसे खंडर टाइप की जगह के बाहर देख सकते हैं, जहां पर कुछ मूर्ति वूर्ति लगी हुई है, लेकिन उसके आगे कुछ ऐसा कुंड वगैरह बना है जिसमें आग जल रही है, और मैडी कुछ काले वाले कपड़े पहनकर वहां पर ऐसे खड़े हुए हैं, और उनके सामने कई सारी लड़कियां भी हैं। प्रोबेबली इन सबको वही वशीकरण के चक्कर में उन्होंने ऐसे खड़ा कर रखा होगा, और एक एक करके उन सब की बलि देंगे। मतलब ये वही वाला कंसेप्ट होगा कि डेविल को प्लीज करना, मतलब शैतान को प्लीज करना है, उनकी बलि देकर ताकि इसको और भी ज्यादा पावर्स मिलती चली जाए। एंड अजय देवगन अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में वहां तक पहुंचेगा और फिर मैडी को हराने की कोशिश करेगा। ये सारा पूरा इस मूवी का कॉन्सेप्ट हो सकता है, इज व्हाट आई थिंक। अब जिसने वश देखी है उसको ज्यादा अच्छे से पता होगा, लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू डोंट स्पॉइल इन द कमेंट्स, क्योंकि मूवी को आने में अब हार्डली कुछ ही दिन बाकी है, तो मूवी देखकर ही समझ में आ जाएगा सब कुछ। वैसे ट्रेलर ने सब कुछ समझा दिया अपने को ज्यादातर, तो ऑल्दो आई वाज होपिंग कि इसकी दो चार फ्रेम अगर हमको नहीं दिखा तो ज्यादा मजेदार होता, बिकॉज सस्पेंस था मूवी में अच्छा खासा, बट ये आखिरी की दो तीन फ्रेम्स जो है वो बहुत कुछ बता देती है हमको इस मूवी के बारे में। बट स्टिल मैडी को इतने टाइम बाद इस नए अवतार में देखकर अच्छा लगा। इससे पहले रॉकेटरी नंबी इफेक्ट वाली जो मूवी थी वो भी काफी डिफरेंट थी, और ये सो आई रियली लव्ड इट। और हाँ, इसको देखने के बाद आई विल डेफिनेटली गो एंड वॉच वश टू कंपेयर कि मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा फील कैसा है मूवीज का। लेकिन हाँ, हमको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं विकास बहल, जो इससे पहले क्वीन बना चुके हैं और उसके बाद गणपत भी, तो दोनों परफेक्टली बैलेंस्ड है एज ऑल थिंग्स शुड बी। शैतान जहां पे आके लैंड करेगी वो बता देगी कि कहां झुकना है अपने को। खैर, तो शैतान के ट्रेलर को देखकर जो भी जितना भी मुझे लगा वो मैंने आप सबको बता दिया। आई वॉन्ट टू नो वट यू गाइज थिंक अबाउट इट। मैंने इसका एक ट्रेडिशनल ब्रेकडाउन नहीं किया, क्योंकि ट्रेलर में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं ब्रेकडाउन करने के लिए। एक घर से शुरू होकर एक घर में खत्म हो जा रही है, और उसके बाद दो चार जो सीक्वेंसेस थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मैं खुद भी अपने लिए मूवी को स्पॉइल नहीं करना चाहता पर्सनली, बट मुझे लगता है कि ट्रेलर फिर भी काफी कुछ रिवील कर देता है। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग अगर वीडियो लाइक नहीं करोगे तो आपकी क्रश को
आपका दुश्मन अपने वशीकरण में कर लेगा।